तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। तो आज जवान अपना पांचवां शानदार तरीके से दिन कंप्लीट करने जा रही है, लेकिन 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 आज मंडे वर्किंग डे है तो ये मार इसको झेलनी पड़ी। दूसरा एक अनएक्सपेक्टेड मार इसको ये झेलनी पड़ी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच आज कंप्लीट होने में जा रहा है, क्योंकि पिछले दो दिन से मैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो नहीं पा रहा था बारिश की वजह से। तो मंडे वर्किंग डे है ये तो पता ही था, तो ये कंपलसरी इसको झेलना ही झेलना था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है इसको भी ज़बरदस्त तरीके से टैकल कर रही है या हैंडल कर रही है, मतलब मैनेज कर रही है कि इसको बीट डाउन कर जाए इस थ्रेट को। तो आज डे फाइव में इन सब चुनौतियों को देखा जाए तो उसके बाद भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि डे फाइव पर पठान की जैसी ग्रोथ थी उससे बेहतर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, उससे बेहतर डेटा देखने को मिल रहा है। फर्स्ट मंडे जब पठान का था उसी के साथ फर्स्ट मंडे आज भी डे फाइव में जवान का है, और ऐसा ही डे फाइव में फर्स्ट मंडे पठान का भी था। तो पठान के टाइम पे लगभग ग्रोथ थी नेट इंडिया से 26.5 करोड़ के आसपास और हिंदी कलेक्शन अराउंड 25 करोड़ के आसपास थी। देखा जाए तो मूवी स्ट्रगल तो कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पठान को एक तरीके से बीट डाउन कर रही है पाँचवें दिन के कलेक्शन के मामले में। तो मॉर्निंग से ही 27% की ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिली थी, जबकि पठान के टाइम में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी रेट थी 25% की। तो बुक माई शो की अगर मैं बात करूं, बुक माई शो में आज 27,000 से 28,000 टिकट बेचते हुए जवान दिखी थी। ऑल ओवर डे की अगर मैं ऑक्यूपेंसी रेट बताऊं तो लगभग 35 से 40% के आसपास ऑक्यूपेंसी रेट रही है जवान की फुल डे मॉर्निंग टू नाइट तक। दोस्तों इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो आज भी 17,000 शो जो मूवी को दिए गए हैं, मूवी के शो चलाए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का जबरदस्त मैच चल रहा है उसके बाद भी जवान इस अग्नि परीक्षा में पास होते नजर आ रही है आज के दिन। तो हिंदी से आज लगभग 28 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आ रही है मूवी एंड ऑफ द डे तक, और पठान का कितना था डे फाइव में 25 करोड़ के आसपास। इसी के साथ तीनों लैंग्वेज को मिलाकर नेट कलेक्शन फुल डे का एंड ऑफ द डे तक लगभग 32 करोड़ के आसपास दिख रहा है। इसी के साथ अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो आज फुल डे में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ सकता है मे बी मैं मान के चल रहा हूं 55 से 60 करोड़ के आसपास आ सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दीवाने भारत में हैं, ओवरसीज में तो नहीं है, बाहर कंट्रीज में तो इतने दीवाने नहीं है। तो आज मुझे लग रहा है डोमेस्टिक कलेक्शन से भी ज्यादा कलेक्शन ओवरसीज का होने वाला है, और अगर आज 60 करोड़ का कलेक्शन ये ओवरसीज से कर लेती है तो भाई मजा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूं। मे बी 60 करोड़ क्रॉस कर जाए, लेकिन मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं 60 करोड़ के आसपास। इसी के साथ मूवी पहले 5 दिन में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर लेगी अगर 60 करोड़ ये कलेक्शन कर लेती है तो? एंड ऑफ द डे तक मूवी आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 580 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आएगी। बाकी मैं एक और बात कहूंगा कि ये आंकड़ा प्रिडिक्शनेबल है, और ऑफिशियल रिपोर्ट कल जब आएगी फुल डे की तो अलग से उस पर वीडियो डाल दी जाएगी फटैक से। लेकिन प्रिडिक्शन अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंकड़ा आंखें बंद करके दे रहे हैं, हवा हवा में कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो जिस हिसाब की ग्रोथ चल रही है, कहाँ कितने हाउसफुल शो चल रहे हैं, कितनी बुकिंग कहाँ पर हो चुकी है, शाम को या को कैसी ऑक्यूपेंसी रेट है, तो ये सब डेटा को एनालाइज करके ही एक सॉलिड प्रिडिक्शन देते हैं। और मैं कहूंगा मेरा प्रिडिक्शन हमेशा ऑफिशियल रिपोर्ट के जस्ट आसपास ही रहता है। दोस्तों ये तो खैर ऊपरी बात हो गई, लेकिन काम की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात ये है, काम की बात ये है कि आपको क्या लगता है मूवी आज 60 करोड़ के ऊपर पूरी दुनिया से एंड ऑफ द डे तक टच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और क्या मूवी, मैं फिर कह रहा हूँ, 8 ही दिनों में क्या 1,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आएगी? और 90 दिन में या 10वें दिन तक पठान के कलेक्शन 1,000 करोड़ के कलेक्शन को ये बीट डाउन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी जवान? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।